इस बीच कैग की रिपोर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे को लेकर कैग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित राशि का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि नमामि गंगे योजना के तहत अलग अलग एजेंसियों, संस्थानों और सरकारों के पास कुल 2600 करोड़ रूपये की राशि पड़ी हुई है, यानी इसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है। कैग के मुताबिक उत्तराखंड को छोड़कर नमामि गंगे योजना में शामिल दूसरे चार राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 21 मार्च 2017 तक 100% शौचालय के निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं। गंगा नदी में मलमूत्र विसर्जन रोकने के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत ये सभी राज्य 951.11 करोड़ रुपए में से सिर्फ 490.15 करोड़ रुपए का भी इस्तेमाल कर पाए हैं। नमामि गंगे को लेकर कैग की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में रखी गई। ये रिपोर्ट साल 2014-15 से 2016-17 तक के लिए दी है। योजनाओं की राशि इस्तेमाल नहीं होने के पीछे कैग ने सबसे बड़ी वजह योजनाओं के एक्शन प्लान को अंतिम रूप नहीं दिया जाना बताया है। स्वच्छ हो, उसमें कोई प्रदूषण न फैलाए, इसके लिए हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। काफी काम हुआ है, आगे भी ये हम लोगों का पूरी तरह से देश को वचन है कि हम अविरल निर्मल गंगा करके दिखाएंगे। तो हम सब लोग अभी बहुत सचेत हैं और बहुत कुछ जल्दी करना चाहते हैं, और मेरा ये विश्वास है कि आज के हिसाब से कल का जो दिन हुआ गंगा में, उसकी आप देखोगे उसकी निर्मलता वहां आपको बड़ी नजर आएगी। कहते हैं गंगा